आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने वाला हूं जो भारत के 12 अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन जीके में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे का नेटवर्क 1,15,000 किलोमीटर लंबा है। 12,617 ट्रेन इस नेटवर्क पर दौड़ती है। इस नेटवर्क पर 7,172 से ज्यादा स्टेशन हैं और करीब 23 मिलियन लोग रोजाना रेलगाड़ियों के माध्यम से इधर उधर आते जाते हैं। भारत में जो 12,617 ट्रेन चलती है उनमें से एकमात्र ऐसी रेलगाड़ी है जो भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। इस ट्रेन से आप भारत के ज्यादातर हिस्सों को देख सकते हैं। ये ट्रेन साउथ में तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से चलकर जम्मू कश्मीर राज्य के श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक जाती है। हिमसागर एक्सप्रेस का नंबर 16,317 और 16,318 है। ये ट्रेन 1980 में शुरू की गई थी। इस ट्रेन को दक्षिणी रेलवे जोन के द्वारा चलाया जा रहा है। हिमसागर एक्सप्रेस को कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचने के लिए 4 का लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस बीच ये ट्रेन 73 स्टेशन से होकर जाती है। इस यात्रा के दौरान ये ट्रेन हर रोज औसतन 1,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये ट्रेन काफी खूबसूरत व्यूज, छवि, भाषा, लोग और खानपान का अनुभव कराती है। सफर को पूरा करने में लगभग 72 घंटे लगते हैं। ये ट्रेन जम्मू कश्मीर राज्य के वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से शुरू होकर तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन में जाकर समाप्त हो जाती है। इसमें ये ट्रेन भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु शामिल है। हिमसागर एक्सप्रेस में कुल 19 डिब्बे हैं, जिसमें से 3 एसी कोच, 10 स्लीपर कोच, 3 जनरल कोच और 2 लगेज कोच और 1 पेंट्री कोच है। ये एक वीकली ट्रेन है जो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से हर फ्राइडे को दोपहर के 2:15 पर चालू होती है और मंडे को दोपहर के 3:20 पर कटरा स्टेशन पर पहुंचती है और कटरा स्टेशन से मंडे रात 9:55 पर चालू होती है और थर्सडे को रात के 9:30 पर कन्याकुमारी स्टेशन पहुंचती है। हिमसागर एक्सप्रेस भले ही 12 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन ये इंडिया की सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन नहीं है। इंडिया में सबसे लंबे रूट में ये दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर विवेक एक्सप्रेस आती है जो कि दिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, जिसमें वो 4,233 किलोमीटर का सफर तय करती है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।